अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। मैं हूँ शान खालिद और आप देख रहे हैं YouTube चैनल डेली जॉब नोट्स एंड स्कॉलरशिप। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो की जॉब की अपडेट का हाजिर हुआ हूँ। आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, ASF में बड़ी भर्तियाँ आई हैं। पूरे पाकिस्तान में से मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी जो है 85,085,000 होंगे, तो आपने ये सुनहरी मौका छोड़ना नहीं है, तो आपने ज़रूर इसमें अप्लाई करना अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसकी एक एक डिटेल शेयर करूंगा, आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो आपके साथ वन बाय वन मैं डिटेल शुरू करूंगा। और डिटेल शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। वो दबाने से नहीं आने वाली जॉब के अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको सबसे पहले। दोस्तों चलते हैं आज की जॉब की अपडेट के की तरफ। आज की जॉब की जो अपडेट की पहली डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ये पोस्ट की गई है 4 जुलाई को। लोकेशन इसकी ऑल पाकिस्तान में है, कहीं पर पाकिस्तान में आपकी एलोकेशन हो सकती है। एजुकेशन इसमें जो दरकार है, रिक्वायर्ड एजुकेशन बैचलर मास्टर MBA BBA और BS है। लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की वो 8 जुलाई 2023 है। वैकेंसीज इसमें मल्टीपल हैं, ठीक है। कंपनी नेम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज है, एड्रेस एयरपोर्ट फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेज फाउंडेशन हेडक्वार्टर। अब ये एड्रेस का मैं आपको बताऊंगा, ये अप्लाई करने में इसका अहम किरदार है एड्रेस का, ठीक है। तो वैकेंसी लिस्ट की अगर बात करूँ आपके साथ, तो डायरेक्टर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर RT, सुपरवाइज़र RT, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जनरल मैनेजर ऑपरेशन, डाई डिवेलपमेंट ऑप्स मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंस लीड एंड कैश रिकवरी एजेंट। अब क्वालिफिकेशन इसके लिए मैंने ऊपर भी बताया है कि बैचलर ग्रेजुएशन और मास्टर इसके लिए दरकार है, ठीक है। तो अगर अप्लाई करने के तरीके की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपने ASF के जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी CV अटेस्ट करवा लेनी है, ठीक है। और उसका CV आपने टेस्ट नहीं करवानी, CV के साथ आपने अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एजुकेशनल सर्टिफिकेट सब आपके हों, जितनी आपने एजुकेशन आपकी है कम्प्लीट, आपने हर क्लास के आपने अपने सर्टिफिकेट फोटो कापी करवा के उनको टेस्ट करवा लेना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट वो भी आपने टेस्ट करवाना है। अपना डोमिसाइल उसकी कॉपी, फिर CNIC पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये भी आपने सब कुछ डाटा जो भी मैंने आपको बताया ये आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लेने हैं, और आपने ये तकरीबन 12 दिनों के अंदर अंदर आपने वहाँ पर सेंड करने हैं। एप्लीकेंट डाटा इनकम्प्लीट और रिसीव लेट विल नॉट बी कंसिडर। जो इनकम्प्लीट होंगी और लेट रिसीव होंगी वो उनके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको ही सिर्फ टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो पोस्ट है, एप्लीकेशन आपने करनी है अपनी जो एप्लीकेशन के साथ, वो आपने ASF फाउंडेशन हेडक्वार्टर B26, ये मैं आपको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसका एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक आपको दे दूंगा। तो आपको TA DA इसका कोई भी नहीं दिया जाएगा टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, जब आपको कॉल आएगी कोई TA DA नहीं आपको दिया जाएगा। आगे जो इसकी क्लोजिंग डेट है अवेलेबिलिटी फॉर दिस जॉब की, वो 8 जुलाई तक है इसकी अवेलेबिलिटी जॉब, तो आप वहाँ पर 8 जुलाई से पहले पहले आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर आपको एजुकेशन एक्सपीरियंस सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वन बाय वन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में 10 साल का, किसी में 3 साल का, किसी में 2 साल का, ठीक है। यानी कि एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्हें दरकार है, एक्सपीरियंस के बगैर अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। तो एक्सपीरियंस होगा उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर आप जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों भी इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए और आपकी भी 85,000 सैलरी लग सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की जॉब की अपडेट। आपसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए थे या पहले भी आते हैं, मगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। वो दबाने से हर नई आने वाली जॉब के अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।